नमस्ते दोस्तों, ये आज जैसा आप देख पा रहे हैं हमने एक 5000 वॉट जिस पर लिखा है, लेकिन ये स्टीरियो में 400 वॉट का एम्पलीफायर सर्किट है। ये इस पर 5000 वॉट इसलिए लिखा हुआ होता है क्योंकि इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इस सर्किट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये बोर्ड इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। इसमें सप्लाई में 6 कैपेसिटर दिए हुए हैं जिसमें तीन तीन दोनों तरफ हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ। और ये तैतीस सौ म्यू एप 80 वोल्ट के हैं और इसमें डाइवोल्ट बहुत सारे लगे हुए हैं जिससे इसका फिल्टरेशन बहुत अच्छे से हो सके। और इनपुट के लिए इसमें हम 40-0-40 ट्रांसफार्मर लगाएंगे। सप्लाई इसके साथ में ही बनी हुई है तो हम इसमें डायरेक्ट ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। तो हम जो ट्रांसफार्मर लेंगे वो कुछ इस तरीके का लेंगे कि उसमें हमारे 40-0-40 के साथ एक 0-12 का भी ऑप्शन हो, क्योंकि इसमें जो हमारे 12 वोल्ट की सप्लाई होगी उससे हमारे ये जो इसका प्री एम्पलीफायर सेटअप है वो काम करेगा और 7805 से हमारे MP3 मॉड्यूल को भी सप्लाई जाएगी। और इसमें फैन के लिए भी 12 वोल्ट की सप्लाई लगेगी तो यहाँ से हम आउट कर देंगे। ये टू फैन लिखा हुआ है यहाँ से। और इसमें दोनों लेफ्ट राइट के लिए सेपरेट सर्किट बने हुए हैं। ये जैसा आप देख पा रहे हैं ये इस तरफ वाले का और ये दूसरा आप देख पा रहे हैं वो इस तरफ वाले का। और ये इसमें प्री एम्पलीफायर सर्किट है, बेस ट्रेबल बना हुआ है इसका। और इसमें बैलेंस का भी एक ऑप्शन है जिससे हम ऑडियो बैलेंस कर सकते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और ये स्विचेस दिए हुए हैं जिससे आप इसमें इनपुट को चेंज कर सकते हैं, लाइन इन लाइन आउट इस तरीके से। और ये हमारे USB का, तो ये ऑटो स्विच हैं। अगर आप कोई भी एक प्रेस करेंगे तो दूसरे ऑटोमेटिक बाहर आ जाएंगे, जैसा हमारे पुरानी जो कैसेट वाली टेप आती थी उसमें होता था कि हम कोई भी एक बटन प्रेस करते थे तो दूसरा ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता था, उस तरीके से। इसकी हीट सिंक भी बहुत ही अच्छी है। और इस बोर्ड की एक अच्छी बात है कि इसमें सारे कनेक्शन आपको किए हुए मिलते हैं। इसका मॉडल नंबर है DX999। ये स्टीरियो ऑडियो किट है। और इसके लिए जो कैबिनेट हैं वो भी इसी का है जिस पर लिखा हुआ मिलेगा आपको 5000 वॉट। और इसका बैक केस आप देख सकते हैं जिसका साइज ये है। इसमें आप 5000 वॉट सेट करने जाओगे तो नहीं होगा। तो जैसा मैंने बताया ये 5000 वॉट नहीं, स्टीरियो में 400 वॉट है, 200 वॉट। आप मतलब कोई भी सर्किट बोर्ड ले लीजिए उसमें आप ये क्लास AB में पर ट्रांजिस्टर आपको 50 वॉट मिलेगा। तो इसमें 8 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं तो आपको 8 से 400 वॉट मिलेगा ओनली। अगर बोर्ड की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको प्लस 100 वॉट ज़्यादा समझ लीजिए, इतना इफेक्ट अच्छा मिलेगा। बाकी 5000 वॉट तक इसे नहीं मिल सकता। ये क्लास AB का सर्किट है जिसमें आपके NPN PNP 5200-1943 लगे हुए हैं। तो इसका जो हमने कैबिनेट लिया है उसमें हमने पहले से दो फैन लगा दिए हैं। और ये हमारे ट्रांसफार्मर भी डेक्सा का ही हैं जो कि 40-0-40-0-12 का है जो हमें इसके साथ ही मिला है। तो जैसा मैंने बताया आपको इसमें सारे कनेक्शन किए हुए मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें जो आउटपुट के ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स वगैरह, वो सभी इस बॉक्स में इस सर्किट के अकॉर्डिंग ही दिए हुए हैं। तो हम इसे इस सर्किट को कैबिनेट में कस लेते हैं और ओनली फॉर हमें फैन के कनेक्शन करने पड़ेंगे तो हम वहाँ से सोल्डरिंग करके कर देंगे। ये जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें माइक सप्लाई के लिए भी आउटपुट ले सकते हैं और फैन के लिए भी ले सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। तो ये जैसा आप देख पा रहे हैं हमने इसमें ट्रांसफार्मर सेट कर दिया है जो कि पहले से था। तो हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं हमारे बोर्ड के साथ में, ये रेड और ब्लैक वायर जो दिए हुए हैं, दो रेड है एक ब्लैक है। ये हमारे 40-0-40 और ये 0-12 ग्रीन वाले। और ये हमने स्विचेज कुछ इस तरीके से सेट कर दिए हैं। ये दोनों फैन जस्ट इस हीट सिंक के पीछे लगे हुए हैं जिससे ये कूल होती रहेगी और इसमें अंदर की तरफ हवा आती है और इस कैबिनेट के साइड में जो जाली होती हैं वहाँ से एयर बाहर निकल जाती हैं।
और इसमें स्पीकर प्रोटेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर फ्यूज़ दिए हुए हैं स्पीकर प्रोटेक्ट करने के लिए, से यदि कभी आउटपुट में वोल्टेज आए तो हमारी ये फ्यूज उड़ जाए और हमारे स्पीकर ख़राब ना हो। तो अभी इसमें ये MP3 मॉड्यूल लगाना बाकी है। इसका आगे का लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम इसमें ये जो BT मॉड्यूल है हमारे पास, ये वाला, ये इसमें सेट कर देंगे, जिसके कनेक्शन यहाँ से होते हैं। ये लेफ्ट राइट इनपुट के लिए हैं और ये 5 वोल्ट यहाँ से निकलता है। तो हमने इसके दूसरी तरफ भी कनेक्टर लगा दिए हैं, ये जैसा आप देख पा रहे होंगे। और ये हमने जो इनपुट सप्लाई दी है वो हम यहाँ स्विच तक लेकर आ गए हैं। इसमें दोनों ही ऑन ऑफ के लिए अलग अलग दिए हुए हैं पॉइंट, और हम यहाँ से सप्लाई लेकर इस ट्रांसफार्मर के जो नीचे वाले पॉइंट हैं वहाँ पर दे देंगे, और फिर हम इसे टेस्ट करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, अभी इसमें सारे कंपोनेंट और इसकी फिटिंग लग गई हैं। तो पहले तो हम इसे बंद कर लेते हैं, ऊपर वाला जो कवर है इसका, और उसके बाद हम इसे टेस्ट करेंगे। तो ये हमारे बिल्कुल तैयार हैं। इसका फ्रंट लुक कुछ ऐसा है, और पीछे से इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरीके की है। हमने इसमें स्पीकर कनेक्ट करने के लिए दो टाइप के कनेक्टर दिए हैं। इसमें एक में प्रेस वाले बटन है और दूसरे स्क्रू हैं। तो अभी स्पीकर के वायर लगा देते हैं इसमें और फिर इसे ऑन करते हैं। तो हम जो टेस्टिंग के लिए स्पीकर ले रहे हैं वो है हमारे लॉर्ड का 200 वॉट का स्पीकर। तो हम इस पर वायर कनेक्ट कर लेते हैं और इस एम्पलीफायर के पीछे लगा देंगे। तो ये हमने BT मोड में इस फ़ोन को इस एम्पलीफायर के साथ में कनेक्ट कर दिया है, और ये हमने 200 वॉट का स्पीकर जो हमारे था वो इसके साथ में लगा दिया है, जैसा आप देख पा रहे हैं। अभी हम इसमें सॉन्ग प्ले करेंगे। इसका पंच बहुत ही अच्छा है, और ये इसकी जो ऑडियो की क्वालिटी है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो इस सर्किट के साथ अगर आप एम्पलीफायर बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। और ये जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। धन्यवाद।